की नगरी अयोध्या एक बार फिर से पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। दीपोत्सव पर एक बार फिर रामनगरी अयोध्या नया रिकॉर्ड बनाएगी। 11 नवंबर को अयोध्या 24 लाख दीपों से रोशन होगी। लेकिन इससे पहले राम की पैड़ी और चौधरी चरण सिंह घाट सहित 51 प्रमुख घाटों पर दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। दीपावली के मौके पर पूरे शहर को शानदार तरीके से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। दीपोत्सव के दौरान लेजर शो की भी तैयारी है। राम की पौड़ी पर होने वाले लेजर शो के माध्यम से भगवान राम के जीवन की झांकी पेश की जाएगी। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 7 कांड की प्रस्तुति के जरिए राम के जीवन आदर्शों को जहां झांकी के माध्यम से दिखाया जाएगा, तो वहीं देश विदेशी कलाकार रामलीला भी पेश करेंगे। दीपोत्सव की सारी तैयारी सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों के मुताबिक हो रही है। 25,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स दीपोत्सव में एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड कायम करने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि दीपों में प्रयुक्त होने वाले दीयों का आकार 24 ml है, जिसमें सरसों का तेल वॉलंटियर्स की तरफ से डाला गया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम पद पर काबिज होने के बाद ये 7वां दीपोत्सव है। इस बार यूपी के साथ कई प्रदेशों की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। योगी सरकार धोबिया, फरवाही, राई, छाऊ लोक नृत्य को भी वैश्विक मंच दे रहे हैं। 9 से 11 नवंबर तक भारत कुंड, गुप्तार घाट, बिरला धर्मशाला, राम घाट, राम कथा पार्क में भारतीय संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुमार विश्व के भजनों की गंगा भी बह रही है। दीपोत्सव के दौरान सरयू की जलधारा में भव्य लेजर शो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसकी तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। सरयू नदी के किनारे भव्य आयोजन है, जहां पर ये लेजर लाइट कार्यक्रम की तैयारी की गई है। इस बार का दीपोत्सव कई मायनों में खास है। न केवल विश्व रिकॉर्ड बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की पहल भी इस दौरान की जाएगी। दीपोत्सव में विदेशी कलाकारों की रामलीला भी होगी, जिसमें रूस, श्रीलंका, सिंगापुर और नेपाल के कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। यूपी सरकार ने दीपोत्सव में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया था, लेकिन अपनी व्यवस्थाओं के चलते वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण जोरों पर चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की भी पूरी तैयारी है।